तो सिर्फ जूतों के पैसे हैं। तो भाई टैक्सी के पैसे कौन देगा? मैं तुमसे जूते मंगवा रही हूँ, टैक्सी नहीं। अरे तो मैं क्या इतनी गर्मी में पैदल बाजार जाऊंगा? नबील सामने मेन रोड तक ही तो जाना है यार। आई एम रियली सॉरी जानू, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है मैं धूप में थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे सनबर्न हो जाता है। क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील, एक तो तुम कोई काम नहीं करते, घर के भी कोई काम नहीं करते, अब क्या मैं जूते भी मोहल्ले वालों से मंगवाऊं? आइडिया बुरा नहीं है जानू। शट अप नबील, जाओ जाके चांदी के जूते लेके आओ, उसने सुबह स्कूल पहन के जाने हैं। देख क्या रहे हो, जाओ जाके लेके आओ। ओके जानू। शुपीर, शुपीर, शुपीर। क्या हुआ माँ जी? और तू पुत्र बाजार जा रहे ना, मेरे लिए 2 किलो लंगूर लेता ही। और माँ जी आपके पास तो पहले 200 किलो का लंगूर है यार। फजूल बात ना करना मुझसे, और लंगूर ना मीठे होने चाहिए। और लंगूर नहीं माँ जी, अंगूर। हाँ अंगूर मीठे होने चाहिए। ओ माँ जी मैं जूते लेने जा रहा हूँ यार। ना पुत्र मैं जूतों का क्या करूँगी है? आपके लिए नहीं, चांदी के स्कूल के जूते लेने जा रहा हूँ। चांदी का स्कूल जूते पहनता है? ओह माँ जी आप महमूद साहब से मंगवाइएगा यार। जूते नहीं अंगूर। क्यों तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? काहल इंसान, जब देखो घर में पड़ा रहता है। ओ यार महमूद साहब भी तो घर में ही पड़े रहते हैं ना यार। बेशरम, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे काम कराती अच्छी लगूंगी। तू इतना हट्टा कट्टा, मेरा कोई काम नहीं करेगा। जा जाके मेरे लिए खजूरें लेके आ। अंगूर माँ जी? हाँ अंगूर और खजूरें दोनों लेकर आ। अच्छा ठीक है पैसे दे। माँ जी जिस तरह के आपने पैसे दिए ना, इसी तरह के अंगूर लेके आऊंगा मैं। लानत है यार इस जिंदगी पर, ये भी कोई जिंदगी है? मैंने सोचा था अमीर लड़की से शादी करूंगा, बड़ी खातर होगी, नौकर होंगे चाकर होंगे, यहाँ तो मैं खुद ही नौकर बन गया हूँ। या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मेरे दिन बदल दे। सुनो, ऊपर नहीं नीचे देखो। अबे सामने देख, एक खूबरू नौजवान, यकीन नहीं आया कि मैंने तुझे खूबरू नौजवान कहा है। आप कौन है? अबे मेरा गेटअप देख के भी पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं बाबा हूँ बाबा। कौन बाबा? उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। मैं बाबा? मुझे क्यों बुलाया बाबा? बताता हूँ, पहले ये बता करता क्या है? कौन तू और कौन? मैं कुछ नहीं करता बाबा। कुछ काम कर बच्चा। क्या करूं बाबा? चल कमर खुजा मेरी। अबे जल्दी खुजा, बड़ी खुजली हो रही है यार। बाबा आप खुद खुजा ले, मेरे हाथ कमर तक नहीं पहुँचते। ओ बाबा जी इतना बड़ा दरख्त है, पीछे से खुजा ले। नहीं बे, इस दरख्त पे बहुत चींटियां हैं, तू खुजा लेगा तो क्या मौत आ जाएगी? जी जी बाबा जी, जी बाबा जी। ठीक है बाबा जी। तूने मुझे खुश कर दिया, मांग क्या मांगता है? नहीं नहीं बाबा जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अरे अपने लिए मांग, तुझे क्या चाहिए? बाबा जी मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, जेजे वाली लैंड क्रूजर चाहिए और बड़ा सा बंगला चाहिए। अपनी औकात के हिसाब से मांग बच्चा। ओ बाबा जी मैं जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुझे सब पता है, बहुत जलील होता है घर में। हाँ बाबा जी। और बाहर भी। हाँ बाबा जी। तू यही चाहता है ना कि तेरे पास पैसा हो, इज्जत हो, तेरे नौकर चाकर हो जिन पे तू घर बैठे हुकुम चला सके। हाँ बाबा जी, लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरी बात गौर से सुन। जी बाबा। नीली कमीज तेरी किस्मत बदल सकती है। नीली कमीज? या ऐसा इंसान जिसकी वो नीली कमीज हो वो तेरी तकदीर बदल सकता है। वो कैसे बाबा जी? तू उस इंसान की खिदमत कर और उसे खुश कर दे, वो तेरी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। सच बाबा? हाँ बच्चा, लेकिन एक बात याद रखना, उस नीली कमीज वाले का दिल ना दुखाना, वरना ये जिल्लत भरी जिंदगी हमेशा तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। हाँ नीली कमीज या नीली कमीज वाला इंसान ढूंढ बच्चा, ढूंढ। नबील, नबील मुझे बचा ले, मेरी बेबी से बचा ले। नबील, नीली कमीज, नबील, नीली कमीज। ये तुम क्या कर रहे हो? जानू नीली कमीज ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई नीली कमीज नहीं है नबील। क्या? हाँ तुम्हारे पास पीली, लाल, गुलाबी, जामनी हर रंग की है, लेकिन नीली नहीं है। फिर तुम्हारे पास कोई नीली कमीज होगी, वो निकालता हूँ। मेरे पास भी कोई नीली कमीज नहीं है, इसलिए आज तक मेरी किस्मत नहीं बदली। खूबसूरत दुनिया के हर रंग की कमीज तुम्हारे पास है, एक नीली कमीज नहीं खरीद सकती थी? ये तुम क्या बोल रहे हो नबील, होश में तो हो। हट जाओ, मुझे नीली कमीज या नीली कमीज वाला इंसान ढूंढना है। हटो मुझे, हटो। ये आदमी पागल हो गया क्या? नीली कमीज, नीली कमीज,
नबील, अरे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं मुसाफ चले जाए, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे सर पे खून सवार है, मैं अभी कुट खा गया हूँ बाहर से। लेकिन ये तुम्हारी कुट लगाई किसने है नबील? मैं मुसाफ, मुझे और गुस्सा मत दिलाए, चले जाए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ यार, आजकल तो हमदर्दी का कोई जमाना ही नहीं रहा। ऐसा इंसान जिसकी वो नीली कमीज हो, वो तेरी तकदीर बदल सकता है। अबू जी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमसे 3-4 साल ही बड़ा होऊंगा मैं। ऐसा मत बोले अबू जी, रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं ना। और नाम है शहंशाह। अरे तुम्हें आज ख्याल आया कि रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ? मुझे माफ कर दे अबू जी, मैंने आज तक आपके अंदर की बापता को नहीं पहचाना। आप जैसे नेक इंसान को अपना बाप नहीं माना, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है, आप ही मेरे अबू जी है। अबू जी, जो मैं तुम्हारा हूँ वो अबू जी हूँ। हाँ जी अबू जी, मैं आज तक आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे बताइए मैं आपकी खिदमत कैसे करूँ? भाई फिलहाल तो मुझे भूख लग रही है। अबू जी आप आराम से बाहर बैठे, मैं आपके लिए दोपहर के खाने में ना बिरयानी बनवाता हूँ। अरे इसे क्या हो गया है? मुझे लगता है इसको जब कुट चढ़ी है ना, उससे इसकी याददाश्त चली गई है। चलो मैं इसकी इस बात से फायदा उठाऊंगा। खूबसूरत, खूबसूरत। क्या है नबील, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे अब्बू जी वहाँ भूख से तड़प रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो। अब्बू? अब्बू नहीं, अब्बू जी बोलो। तुम्हारे कौन से अब्बू हैं नबील? नादान बेखबर औरत, तू मेरे अब्बू जी को नहीं जानती? महमूद साहब मेरे अब्बू जी हैं। और कौन? महमूद साहब तुम्हारे अब्बू कब से हो गए नबील? अभी 10 मिनट पहले हुए। क्या? और अब तुम एक अच्छी बहू बनकर उनकी खिदमत करोगी। चलो उठो, बिरयानी बनाओ मेरे अब्बू जी के लिए। What? Yes. ना आप यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? अरे दोपहर के खाने का इंतजार कर रहा हूँ मोमो। लेकिन आज तो दोपहर का खाना आपने नहीं बनाना था। अरे मैं क्यों बनाऊंगा दोपहर का खाना? आज के बाद मैं सिर्फ खाना खाऊंगा। अब मेरे आराम करने के दिन आ गया मोमो। नहीं तो पहले आप कौन सा पहाड़ तोड़ते थे घर में बैठ के, हड हराम ना हो तो। मोमो, माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बू जी से इस तरह बात करने की? माफी मांगे मेरे अब्बू जी से। जुकाम में बकवास करते हैं, मेरी मर्जी, मैं इनसे ऐसे ही बात करती हूँ। अबू जी मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की है जी? अच्छा, मुझे फील क्यों नहीं हुआ? बस अबू जी बस, बहुत हो गया। आप इसी वक्त इस बदतमीज और जबान दराज औरत को तलाक दे। माँ जी आज आपने सारी हदें पार कर ली है। महमूद साहब, अबू जी इनको तलाक दे। यार फिर मैं क्या करूँगा? अरे अम्मा, अबू जी क्या हो गया आपको? आपका बेटा भी जिंदा है, मैं आपके लिए दूसरी अम्मी जी लेके आऊंगा। अरे मुझे अम्मी नहीं, बीवी चाहिए। हाँ हाँ, आपके लिए बीवी और अपने लिए अम्मी। हाँ फिर ठीक है मोमो। महमूद साहब ने आपको तलाक दे दी? बेड़ा गरक है। इससे पहले कि वो कुछ कहते ना, मैं अपने कानों पे हाथ रख कर और भाग गई। कैसा? तो फिर अब क्यों रो रही हैं आप? इसलिए कि तेरा मियां शौकत मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं। बतूल नबील। नहीं, तेरा नाम नबील है? मेरे मियां और आपके बेटे का नाम है नबील माँ जी। और दोनों का नाम नबील है? दोनों एक ही है यार। तेरा मियां और मेरा मियां एक ही है। ओह
हाय ऐसी औलाद से बेहतर था कि मैं सांप पाल लेती। तो फिर मैं किससे शादी करती माँ जी? मैं तू कौन सा नागन से कम है माँ जी? तुम सब मिले हुए, तेरा मियाँ मेरे लिए ना सौतन लाने की तैयारी कर रहा है। क्या हाँ जी? ये देखिए बुजी, ये भी देखे, ये भी देखे बुजी, और बताएं किससे शादी खड़गानी है बुजी आपने? अरे अबू जी आप सिर्फ बोले, आपको कौन पसंद है, शर्माए नहीं, बस आप बोले बुजी। यार नबील मुझे ना कतरीना कैफ बहुत पसंद है। अबू जी खुदा का वास्ता अपने मुंह के हिसाब से बोले, कौन पसंद है आपको? नबील वैसे मैं इनमें से जिस लड़की से कहूंगा मेरी शादी करवा दोगे ना? क्या हो गया अबू जी, आपकी तो मत मारी गई है, ये तो फिल्मी हीरो ने है, इनसे मिलती जुलती लड़की ढूंढूंगा आपके लिए। देखें ये ले देखें, इसमें से आराम से देखें। यार नबील मैं खाना खाने के बाद इत्मीनान से तस्वीरें देख लूं। आप जो खाना खाने के बाद इत्मीनान से देखेंगे वो तस्वीरें होंगी। हां जी। अच्छा जी अबू जी आओ जी खाना खाइए जी। आओ जी अबू जी, अबू जी खूबसूरत खाना लगा दिया। नबील ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई यही पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुमने मेरे अब्बू जी के लिए खाना लगा दिया? अरे तुम महमूद साहब की दूसरी शादी करवा रहे हो? तुम मेरे अब्बू जी का नाम ले रही हो? डैडी बोलो इनको, डैडी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है खूबसूरत, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मैं अब्बू जी की दूसरी शादी करवा सकता हूँ तो अपनी भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। क्या बदतमीज घटिया आदमी! माँ जी आपने फिर मेरे अब्बू जी को गाली दी? ये मैंने तुझे कहा है बदतमीज इंसान, तूने अपनी माँ का दिल दुखाया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ओ बात कीजिएगा बाप, मुझे क्या लेने देना है आपसे, मुझे तो अपने अब्बू जी से घर से। क्यों अब्बू जी? हाँ नहीं तो क्या। चले अब्बू जी मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। मुझे तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे वो खाना होगा। जी अब्बू जी। हाँ बेटा जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। दिलीर है, दिलीर दिलीर बोल रहा, क्या कर रहा है? पानी पी रहा हूँ। मैं तो पानी नहीं, मेरा खून पी रहा है। ऐसा मत कर मेरे बच्चे, अपनी माँ के साथ ये वो मत कर। माँ जी आप मेरे और मेरे फ्यूचर के बीच में आने की कोशिश कर रही हैं। अबू जी मेरा फ्यूचर बदल सकते हैं। ओए वो तो अपनी बनान नहीं बदल सकता, फटी भी पहनता है तो तेरी किस्मत कैसे बदलेगा है? माँ जी चुप कर जाए प्लीज, मैं अपने अबू जी के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। पुत्र ऐसा ना कर, तुझे जो चाहिए ना तू मुझसे ले ले पुत्र। आपके पास है ही क्या? सारा जेवर तो 250 एपिसोड में चोरी हो गया है। नहीं नहीं थोड़ा बचाओ कि रखो हमने। नहीं चाहिए मुझे वो। ओ मेरी सिरगोदे वाली जमीन ले ले पुत्र, ले ले। नहीं चाहिए वो बंजर जमीन, उसमें तो पहले ही फटे चल रहे हैं। मेरी किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेरे अबू जी बदल सकते हैं, बाबा जी ने मुझे पहले बता दिया था। कौन बाबा जी? ख्वाब वाले बाबा जी। ख्वाब वाले बाबा जी? अरे नबील मेरे बच्चे जरा ना मेरे पांव तो दबा। आया अबू जी। माँ जी मुझे तो लगता है नबील पागल हो गया है, सुबह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कौन नबील? आपका बेटा माँ जी। नाम मत ले उसका। अरे जिस आदमी को उसने सारी जिंदगी अपना बाप नहीं समझा तो अपनी माँ को उसके लिए अब वो दिलवा रहा है। नबील आपको कुछ दिलवा रहा है? चुप है। कपड़े नहीं दिलवा रहा मुझे, वो दिलवा रहा है। वो क्या? वही जिसके बाद मैं इस घर में तो नहीं रह सकती। नया घर? हाँ उड़ा ले मेरा मजाक। वो जब तुझे पता चलेगा तेरा मियाँ तुझे तलाक दे रहा है। हाँ तलाक, वो मुझे तलाक दिलवा रहा है। माँ जी अगर नबील पागल हो गया तो महमूद साहब तो ठीक है ना, वो क्यों लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हैं? वो बुड्ढा ठरकी है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। आप क्या करेंगी? मैं अगले सीन में एंट्री डालूंगी ना, देखना तू। अरे नबील तुमने मुझे
खुश कर दिया। तू उस इंसान की खिदमत कर और उसे खुश कर दे। है बुजी? हाँ। इसका मतलब मेरी किस्मत बदलने वाली है? मेरी तो बदलने वाली है। अच्छा बुजी, अब ये बताएं कि आपने क्या सोचा? अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा है। वो तो मैं करा ही दूंगा बुजी, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम क्या करें? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ओ माँ जी, ये नाटक किसी और जगह करे यार, मुझे बुजी से बात करने दे। तूने एक माँ का दिल दुखाया, तू जन्म में जाएगा फरीद। ओ फरीद जाएगा ना यार भाई वाला, मुझे क्या। अब्बू जी। हाँ बेटा जी। मैंने आपको खुश किया ना, अब आप ही मुझे खुश करें। अच्छा चलो मैंने तुम्हें एक नया जोक सुनाता हूँ। नहीं नहीं, जोक नहीं है बुजी, मुझे खुशखबरी सुननी है। खुशखबरी? हाँ मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सोच रखी है। अरे कैसी खुशखबरी? यही कि आप अपनी जायदाद मेरे नाम करने वाले हैं। अरे कौन सी जायदाद नबील, मैं तो खुद तुम्हारे ससुर के पैसों पे पल रहा हूँ। अरे ये तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं बुजी, मुझे पता है आपकी लाहौर में बहुत जमीने हैं, एक बार आपने मुझे बताया था मुझे याद है। अरे ले वो सब तो मेरे तायाजाद भाई ले। क्या? अब तो यार सिर्फ पेंशन आती है, वो भी 5-6 हजार। आपके पास पैसे नहीं है क्या? अरे खाक पैसे, मेरे कपड़े भी नहीं। नीली कमीज? अरे ये तो तुम्हारी माँ की चादर थी, वो इस्तेमाल नहीं करती थी, मैंने उसका कुर्ता सिलवा के पहन लिया। क्या? लेकिन एक बात याद रखना, उस नीली कमीज वाले का दिल ना दुखाना, वरना ये जिल्लत भरी जिंदगी हमेशा तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। अरे टांगे तो दबाओ। दबाओ भी है माँ। चल यार चल, उस पार चल दुनिया।